ली खा लीजिए दाल मखनी तो जी चलिए बनाते हैं दाल मखनी जिसके लिए हमें चाहिए राजमा और उड़द ये मैंने एक कटोरी उड़द और आधा कटोरी राजमा रात को ही भिगो दिया था तो अभी सुबह मैंने इसको दो तीन बार अच्छे से पानी से धो लिया है और इसमें तीन कटोरी पानी डाल दिया है अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और इसको बॉईल होने के लिए फिर हम रखेंगे ये मैंने इसमें नमक डाला है और नमक ज़्यादा नहीं डालना एक से डेढ़ चम्मच छोटे वाली डालना है क्योंकि छोंक में भी नमक डलेगा अब हम इसको गैस पर बॉईल होने के लिए रख देते हैं तब तक ये बॉईल हो जाएगा और बॉयल होने के बाद फिर तैयारी करते हैं अपनी तो बाकी तैयारी देख लेते हैं ये मैंने छोंक का सामान ले लिया है टमाटर प्याज मिर्च अदरक धनिया और ये हमारा राजमा और उड़द भी बॉयल हो गए हैं अच्छे से तो देखिए आप कितने अच्छे बोईल हुए हैं ये अच्छे गले हुए होने चाहिए कच्चे कच्चे नहीं रखने हैं क्योंकि दाल मखनी थोड़ी घुटी हुई सी होती है तो छोंक का सामान तैयार कर लिया है मैंने देखो ये अदरक प्याज वो प्याज काट ली है और टमाटर अदरक और उसका मिर्च का पेस्ट बना लिया है और प्याज इस चोपर से मैंने काटी हैं तो आप प्याज भी मिक्सी में पीसना चाहें तो पीस सकते हैं तो मैंने एक कढ़ाई रख दी है छोंकने के लिए और आप अपनी पसंद के ऑयल में छोंक सकते हैं जिसमें आपको पसंद हो देसी घी में भी छोंक सकते हैं मैं दे मैं इसमें बटर और ऑयल दोनों मिक्स यूज करूँगी ये मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं तेज पत्ता दालचीनी का एक टुकड़ा और काली मिर्च लौंग जीरा डाल दिया हींग डाल दिया सब चीज़ें डाल दी हैं इन्हें थोड़ा सा हम भून लेंगे चीज़ें सब डाली हैं बस थोड़ा बताने में आगे पीछे हो जाता है अब प्याज डाल दी हैं अच्छे से जो मैंने चॉप करके रखी थी और अब इन्हें अच्छे से हम ब्राउन होने तक भून लेंगे और ये रेसिपी आपको पता नहीं कैसी लगेगी लेकिन भाई ये बनने के बाद बहुत टेस्टी लगे प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसमें सुखा धनिया डाला है लाल मिर्च हल्दी और ये मैंने डाल दी इसमें दो चम्मच देगी मिर्च क्योंकि दाल मखनी का कलर ना थोड़ा रेड रेड होता है तो आप ये दाल मखनी में डाल दें और यह मैं दो चम्मच डाल रही हूँ किचन किंग मसाला यह कसूरी मेथी मैंने तवे पर हल्का सेक लिया दोनों हाथों से इसको थोड़ा क्रस करके तब डाला इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं जो मैंने टमाटर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था देखो मसाले का कलर देखो कितना प्यारा हो गया है अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें क्योंकि हमने राजमा बॉईल करने में भी नमक डाल रखा है तो हिसाब से आप जैसा नमक आप खाते हैं वैसा नमक आप डाल लें और दाल मखनी है तो मक्खन तो जाएगा जरूर तो इसलिए अब इसमें मैं डाल देती हूँ मक्खन ये मैंने दो बड़े चम्मच मक्खन इसमें डाल दिया है और मक्खन डालते इसका कलर देखो कितना अच्छा हो गया है अब इसे हम ढक के अच्छे से पकाएंगे और देखते रहेंगे बीच बीच में और जब तक मसाले का पानी अच्छे से नहीं सूख जाता तब तक हम इसे पकाते रहेंगे अच्छे से इसमें लग जाती हैं सात से आठ मिनट अच्छे से तो आप पेशेंस रख के पकाएं इसको जब तक ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता इसमें से तब तक आपको ये भूनना है जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतनी ही अच्छी हमारी डिश बनेगी तो अभी देख रहे हैं आप मसाले की थिकनेस कितना थिक हो गया मसाला बुनते बुनते देखो अब ये बिल्कुल तैयार है भुन के अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने राजमा और उड़द उबाल के रखे हैं ये डाल दें और अपने हिसाब से आपको जितनी पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें अगर आपको चावल के साथ खानी है तो थोड़ी पतली कर सकते हैं अगर आपको केवल रोटी पराठों के साथ खानी है तो थोड़ी थिक रख सकते हैं तो देखो इसका ऐसा कलर हुआ है और ये जो हमने खड़े मसाले डाले थे उसमें से अगर आपको ये तेज़ पत्ता वगैरह और दालचीनी का टुकड़ा अगर ऊपर दिख रहा है और बच्चे नहीं खाएंगे तो आप इसे निकाल भी सकते हैं क्योंकि इनका टेस्ट सब्ज़ी में आ चुका है तो अभी ये इसमें रहे ना रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टेस्ट इनका आ चुका है सब्ज़ी में अब सब्ज़ी में हम अच्छे से बॉइल आने तक इसको पकाएंगे अब देखो कितने अच्छे से बॉइल आ गया इसमें और चलाते भी रहे हैं क्योंकि ये काफी ठीक होती है तो लगने का थोड़ा सा डर रहता है तो बीच बीच में आप इसको चलाते रहें देखने में इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में तो लाजवाब लगेगी देखो अब टेक्सचर देखो आप इसका बिल्कुल मक्खन कहते हैं ना दाल मखनी अब मैंने ये दो चम्मच बड़े दो चम्मच दूध की मलाई ली है ताजे दूध की अच्छे से फेंट लिया इसको मैं इसमें डाल दूंगी और ये थोड़ी सी मैंने बचा ली है बाद में सजाने के लिए और दाल मखनी है तो भाई रिच तो होगी इसमें मक्खन मलाई सब अच्छे से डलता है आप मलाई नहीं डालना चाहते तो आधा गिलास दूध डाल सकते हैं दूध डालें तो पानी आप कम डालें तो दूध से फिर ये थोड़ी और पतली हो जाएगी दूध भी डाल सकते हैं आप बहुत लोग डालते हैं दूध भी देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही अब ये बन के तैयार है तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको थोड़ी देर ढक के रेस्ट करने देंगे काफ़ी देर हो गए रखे हुए चलो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं देखो कितना अच्छा टेक्सचर है ना जैसे होटल में मिलती है और अभी बहुत गर्म है बिल्कुल गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें रोटी के साथ नान के साथ पराठों के साथ जिसके साथ आपका मन करे आप खाएं इन्जॉय करें और अगर मेरी वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें ये इसमें मैंने बीच में रख दिया है थोड़ा सा मक्खन और जो मैंने मलाई बचाई थी उसको मैं चारों तरफ इसमें फैला दूँगी ऐसे गार्निश करें और हमारी दाल मखनी बन के तैयार है और अगर आपको ये अच्छी लग रही है अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जी कैसी लगी आपको दाल मखनी की रेसिपी अगर आपको मेरी वीडियोज में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लीजिए खा लीजिए दाल मखनी आ जाइए बन के तैयार है एकदम और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ये तो टेस्ट तो खाने के बाद पता चलेगा कि कैसी बनी है लेकिन देखने में बिल्कुल होटल जैसा लुक है इसका यम्मी यम्मी खा लो ओके मिलती हूँ अपनी और किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय